अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VOBSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे UGC अपर डिवीजन क्लर्क के बारे में, ठीक है। जो मैं टेस्ट लेके आया तो उसके मैं MCQs आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है। लास्ट की दो वीडियो में मैंने आप लोगों को LDC और स्टेनोटाइपिस के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखी है तो ऊपर आई बना हुआ आ रहा होगा, उसका क्लिक कर दें या इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद वह वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं JIAP चेन इंटरनेशनल यूपी कराची, ठीक है। उसकी ये जॉब्स हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न जैसा का मेरे पास लेटर आया है, ठीक है। इसकी डेट देख सकते हैं आप, ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये उसका एड्रेस लिखा हुआ है, टाइम वगैरह लिखी हुई है और ये उसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आता है लेटर, ठीक है। अब मेन चीज़ पर हम चलते हैं, इसके MCQs क्या है JIAP पेपर में, ठीक है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उसमें जो भी MCQs आए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और उसके साथ साथ नेक्स्ट कोई भी इसमें अप्लाई करता है या इसकी दोबारा कोई वैकेंसीज वगैरह आती हैं तो ये MCQs आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और मुझे भी MCQs याद रहेंगे कि तो मैं क्या देके आया था लास्ट में, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके MCQs, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो उसमें MCQs थे वो टोटल वही थे जो आपके LDC में आए थे। 45 इसके MCQs थे और आधे घंटे का टाइम था, ठीक है। 45 MCQs थे और आधे घंटे का टाइम था, ठीक है। तो टाइम जो है वो काफ़ी कम है 45 MCQs के लिहाज से, लेकिन पेपर जो है वो आपका काफ़ी ईजी था, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें सेक्शंस की, तो सेक्शन में जो है आपके MS Word, Excel और इसमें जो है पावर पॉइंट क्वेश्चन तो नहीं आए थे, लेकिन इंग्लिश, मैथ और GK जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन थे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वर्ड के कुछ MCQs देखते हैं, ठीक है। तो हमारे जो सबसे पहला इसका सवाल आया था, इसमें ये आया था हाउ टू क्लोज ओपन स्प्रिट व्यू इन MS Word ऑफिस, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की पूछी हुई थी कि हम लोग स्प्रिट स्क्रीन को स्प्रिट कैसे करते हैं और उसको ओपन और क्लोज कैसे करते हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए थे, कंट्रोल ऑल्ट ए, कंट्रोल ऑल्ट एक्स वाई जेड। तो जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका जो है कंट्रोल ऑल्ट एस, ठीक है। अगर मैं प्लस करूँ कंट्रोल ऑल्ट एस, देखें उसने विंडोज़ को स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं दोबारा कंट्रोल ऑल्ट एस करूँगा तो क्या होगा, ये मेरी स्प्लिट विंडोज़ जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर वन था। अब चलते हैं कंट्रोल वाई पे, ठीक है। कंट्रोल वाई जो है वैसे तो बाजार बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी घुमा के आया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कंट्रोल वाई परफॉर्म, अब क्वेश्चन में दिया गया था कंट्रोल वाई क्या परफॉर्म करता है, तो ऑप्शन में थे रीडू, अंडू, ठीक है। तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, इसके अलावा भी ऑप्शन थे, लेकिन जो आपके आंसर है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप देखें नीचे रेफरेंस के तौर पर मैंने आपको दिया हुआ ताकि आप लोग समझ जाएँ। टू अंडू एन एक्शन प्रेस कंट्रोल जेड, टू रीडू एन एक्शन प्रेस कंट्रोल वाई, ठीक है। तो जो हम जब भी हम कोई चीज़ जो है वो हम गलती से हम लिख रहे होते हैं, हमें लगता नहीं हमने गलती कर दी है, तो हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, उससे क्या होता है वो अंडू हो जाता है। लेकिन नहीं, फिर हम बोलते नहीं हमारा पहला वाला ही सही था, तो हम क्या करते हैं कंट्रोल वाई, उसको बोलते हैं रीडू, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आया था, मेजॉरिटी बच्चों ने ये चीज़ गलत कर दी थी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कंट्रोल वाई जो है वो रीडू करता है, कंट्रोल जेड जो है वो आपका अंडू करता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया था कि हाउ टू स्पेल चेक इन वर्ड, कि MS Word में हम स्पेल चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो जोरो मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इसमें लिखा हुआ है ऑल्ट F7 एंड F7, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट F7, तो आप देख सकते हैं कि ऑल्ट F7 मैंने प्रेस किया तो इसने ऑटोमेटिक इसने मुझे ये पेज खोल के दे दिया, यानी अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है। यानी अगर आपका डिपेंड करता है कि आपका MCQs में क्या आपके पास क्या ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। राइट क्लिक तो ऑप्शन में दिया नहीं गया होगा, जैसे पता है शॉर्टकट की ही पूछी होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ऑल्ट F7 से ये खुल रहा है, ठीक है। आपको एक राइट क्लिक करने का एक वो दे रहा है पैटर्न, ठीक है। अगर मैं अब मैं दबाता हूँ F7, अब मैं अगर F7 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर साइड पर टैग खोल के दे दिया, काम दोनों वही कर रहा है, लेकिन एक साइड पर टैग खोल के दे रहा है और एक जो है आपको यहीं पर आपको खोल के दे रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके MCQs में जो है क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि आपको साइड में या कोई बार के तौर पर खुले तो आप F7 का अप्लाई कर लीजिएगा, यानी अगर सिंपल पूछे आपको स्पेल चेक इन वर्ड तो ऑल्ट F7, यानी या और अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो, ठीक है, माइट बी F7 ना हो ऑल्ट F7 हो, ठीक है, तो आप ऑल्ट F7 पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें पूछा गया था जस्टिफाई इन वर्ड, ठीक है, वर्ड में जस्टिफाई के शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं जैसे होम पे आऊँ और यहाँ प्रेस करता हूँ कंट्रोल जे, तो आप देखिए इसने ऑटोमेटिक इस चीज़ को हाईलाइट कर दी यहाँ पे ना, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल एड से लेफ्ट हो रहा है, कंट्रोल ई से अलाइन कर रहा है सेंटर,
ठीक है, कंट्रोल आर से क्या कर रहे हैं, अलाइन कन्वर्ट विद राइट मार्जिन पे कर रहा है इसको, अलाइन राइट की तरफ। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल जे से कर रहा है जस्टिफाई। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर टाइप्स इमेजिंग बिटवीन द मार्जिन, मार्जिन के बीच में कर लेगा ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जस्टिफाई। तो कंट्रोल जे से जो है आपको जस्टिफाई होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें कहा गया फाइंड एंड रिप्लेस इन वर्ड, वर्ड में जो है फाइंड और रिप्लेस किस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसमें भी वही बात है कि आप ऑप्शन को थोड़ा गौर से पढ़िएगा। इसका ना कंट्रोल एच था और कंट्रोल के था, इसके अलावा और भी ऑप्शन थे और फाइव या कुछ था। तो आप देखिए, अगर मैं कंट्रोल एच प्लस करता हूँ, देखिए इसमें लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस इन वर्ड, वर्ड में फाइंड और रिप्लेस कैसे होता है। ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन सवाल था। देखिए मैं कंट्रोल एच करता हूँ तो आप गौर से देखें, फाइंड एंड रिप्लेस का टैब तो इसने ओपन कर दिया, लेकिन आप देखें वो इस चीज़ को हाईलाइट किया है, रिप्लेस को। ठीक है, अब दोबारा देखें, मैंने कंट्रोल एच किया, फाइंड एंड रिप्लेस खोल दिया और इसने रिप्लेस को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब मैं देखें अगर मैं F5 प्रेस करता हूँ, देखें क्या होता है। ठीक है, वही चीज़ वही है। अगर आप देखें दोनों वही चीज़ में फ़र्क क्या है, अगर आप गौर से देखें तो F5 अगर मैंने प्रेस किया तो उसने डायरेक्ट मुझे गोटू पर लेके गया है। ठीक है, जहाँ तक मुझे ये लगता है कि इसका ऑप्शन जो है, आप फिर वही बात की, आप देखें कि अगर आपके FCQs में कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, कि F5 दिया गया, कंट्रोल एच दिया गया। ठीक है, मेरे ख्याल से दोनों ऑप्शन नहीं दिए गए होंगे आपको, तो कंट्रोल एच जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए कंट्रोल एच पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको रिप्लेस का ऑप्शन दे रहा है, तो क्वेश्चन में यही है कि फाइनल रिप्लेस क्या है। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन में दोनों हो तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लें, लेकिन F5 से भी ओपन हो रहा है ये मेन्यू। ठीक है, और कंट्रोल एच से भी ये मेन्यू ओपन हो रहा है, क्योंकि इसमें पूछा गया फाइंड एंड रिप्लेस, तो लेकिन रिप्लेस पे आ रहा है, तो बेहतर यही है कि आप कंट्रोल एच का ऑप्शन कर लें। ठीक है, और वैसे कंट्रोल फाइंड जो होता है वो कंट्रोल एफ से होता है। ठीक है, इस तरीके से फाइंड हो जाता है वो कंट्रोल एफ से होता है। तो ये आपको मैंने एक्स्ट्रा नोट दे दिया। ठीक है, तो चलते हैं आगे, गो टू इन वर्ड। अब देखिए गो टू वर्ड में किस तरीके से आते हैं, तो देखिए यहाँ पे दो मैंने लिखी हुई है। देखिए कंट्रोल जी करता हूँ ना मैं, सिंपल गो टू का ऑप्शन आया। लेकिन अब देखें फाइंड एंड रिप्लेस की जगह गो टू पे आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखें फाइंड एंड रिप्लेस का टैब ओपन था, लेकिन उसमें पूछा गया था फाइंड एंड रिप्लेस, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, रिप्लेस पे आ रहा था। इसका मतलब क्या, कंट्रोल एच सही आंसर था, F5 से वो गो टू पे जा रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो कंट्रोल जी और F5 दोनों एक ही काम कर रहा है, तो इसकी दो शॉर्टकट किए हैं। वही बात जो आपका एप्सिक्यूज में आप देखें दोनों में से किया है, अगर दोनों हैं तो फिर दोनों सही होने चाहिए, तो मेरे ख्याल से दोनों नहीं होंगे, कोई एक इसमें ऑप्शन दिया गया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों से आपका एक काम करता है। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन नंबर 7 में ये था कि सिलेक्ट और जिससे हो जाए, देखिए कंट्रोल प्रेस करूँ तो पूरा इसमें पेज जितनी भी चीज़ें सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये तो आपके जो 7 एप्सिक्यूज वर्ड में आए थे जो मुझे याद थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आपके कुछ मैंने एप्सिक्यूज दिए हैं जिसमें जो आप लोग को याद नहीं रहते हैं, तो आपको बता दूँ। देखें MS वर्ड में जो है आपके ये शॉर्टकट की जो है ऊपर की F1 से लेके F12 तक, उसमें जो है ये 4 की इस्तेमाल होती है। देखिए F1 से क्या होता है, हेल्प करता है वो, मैं दबाया F1, देखिए आप इसमें हेल्प ऑप्शन दीजिए, कोई हेल्प करने का मतलब ढूंढना तो इसमें हेल्प हो सकती है हमारे। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल F2 से कुछ नहीं होता, F3 से कुछ नहीं होता, और F5 से क्या होता है, आपके सामने कोई फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है इसके अंदर। ठीक है, क्या गो टू का ऑप्शन आता है, कंट्रोल जी या F5। ठीक है, F7 से क्या होता है, वही बात स्पेल चेक के लिए होता है, F7 या फिर अभी ये ऊपर आया था हमारा ऑल्ट F7। ठीक है, और शो शॉर्टकट की F10 से क्या होता है, हमारे देखिए ऊपर लिखा हुआ है शॉर्टकट की, इसकी आगे यूज़ करते हुए। ठीक है, ये आप देख लें, और फिर F12 से क्या होता है, हमारी फाइल सेफ एस में चली जाती है। ठीक है, तो F12 से क्या होता है, वो सेफ एस हो जाता है। ठीक है, मैं F12 प्रेस नहीं कर रहा, मेरी वीडियो जो है वो यहाँ से स्टॉप हो जाती है। ठीक है, मेरे शॉर्टकट की F12 की वीडियो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सेल पे, एक्सेल पे कुछ MCQs हम देख लेते हैं। तो एक्सेल में सबसे पहला जो आपको MCQ दिया गया था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, और समझना ठीक है था, अब डिवाइड एक्सेल में किस साइन से होता है। ठीक है, तो एक बार ब्रैकेट था और ये सिंपल ब्रैकेट था। तो अगर आप एक्सेल में चलें तो एक्सेल में जो है हमारे पास डिवाइड ऐसे होते हैं, सिंपल टू साइन। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया और आप ये देख सकते हैं कौन सा साइन लगा मैंने। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये किया और एंटर कर दिया। ठीक है, तो इस बार से हमारा सेल डिवाइड होता है। ठीक है, आप भी देख सकते हैं डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये एक MCQ सा रहता है एक्सेल में। इसके अलावा आप ये देखेंगे, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसने कोर्स किया होगा उसी को मालूम हुआ है। ठीक है, एक्सेल क्रिएट्स शीट्स टोटल, तो एक्सेल में कितनी नहीं शीट्स का ऑप्शन होता है, तो इसके ना एक में था 1, एक में था 2, एक में था 255 और एक में था नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप अगर आप इसको सर्च करेंगे गूगल पर तो देखेंगे लिखा हुआ है सर पढ़ने 255 शीट्स तक लिमिट है, लेकिन वो ये कह रहे हैं एडवांस पे, अब एडवांस में ये है कि एक्सेल की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन
डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का वो कह रहा है कि आपका होल जो कंप्यूटर मेमोरी क्या है आपकी, ठीक है। तो वैसे जो है इसका जो कॉमन आंसर है वो यही है कि 255 शीट जो है वो एक्सेल सपोर्ट करता है, यानी कि एक वर्कबुक है तो आप देख सकते हैं शीट, यानी 255 आप एक शीट बना सकते हैं इस एक वर्कशीट पर, अगली वर्कशीट पर आप 255 और बना सकते हैं, ठीक है। यानी एक वर्कशीट पर आप 255 शीट बना सकते हैं, इसकी लिमिट दी गई है आपको, ठीक है। तो आप चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, एक्सेल चार्ट शॉर्टकट की, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि एक्सेल में जो है वो चार्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो आप देख सकते हैं ऑल्टर F1 और दोनों में डिफरेंस के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा डाटा है, ठीक है, ये मेरा डाटा है, मैं इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ से देखिए मैंने लिखी है शॉर्टकट की ऑल्ट F1 एंड ग्रैंड वर्कशीट, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन में हो कि एक्सेल में जो है वो चार्ट की शॉर्टकट की क्या है और हमें उसी पेज पे ओपन करने का, उसी पेज पे ओपन करने की उसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट F1, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बराबर में उसने चार्ट खोल दिया ऑल्ट F1, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछते हैं कि एक्सेल में चार्ट की शॉर्टकट की क्या है जो कि अगले पेज पे वो ओपन करें, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, सिंपल आप F11 प्रेस कर देंगे। मैं डाटा सेलेक्ट किया और मैंने F11, तो आप देख सकते हैं अगली शीट पर ले गया है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ GK पर जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो उसमें ये आया था माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो है तो हमें सबको पता है कि बिल गेट्स ने बनाया और उसके साथ एक और कोई नाम है, ठीक है। लेकिन उन्होंने थोड़ा घुमा कर दिया क्वेश्चन कि किस सन में ये हुआ, तो ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी आपको अप्रैल 4, तो ये नहीं आया था पेपर में, यहाँ ऑप्शन दिए थे 1970, 1972, 1973, 1975, ठीक है। तो 1975 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप चलते हैं आगे, द कंट्री विच ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये ऑप्शन आया हुआ था, तो नेट पर आप सर्च करेंगे तो उसमें सऊदी अरेबिया नहीं दिया हुआ आपको, ठीक है। तो इस पेपर में सऊदी अरेबिया आया हुआ था, तो मेजॉरिटी लोगों ने सऊदी अरेबिया टिक कर दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ईरान है, ठीक है। मैंने खुद अफगानिस्तान पर इसका टिक किया था क्योंकि गलत हो गया, तो देखिए हम कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ ये शहर भी दिया हुआ आपको, ये कंट्री भी दिया हुआ तुर्की, ठीक है। आजकल इसका डाटा वगैरह चल रहा है तो आप देखें तो उन्होंने किस तरीके से ऑप्शन डाल कर कन्फ्यूज करने के, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ईरान, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ी चीज़ लिखना भूल गया, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें आपको देखें, इसमें भी थोड़ा सा घुमा के दिया गया था, देखें इसमें पहला ऑप्शन दिया गया राणा लियाकत अली खान और बी ऑप्शन दिया फातिमा जिन्ना, और सी पे था आपका दोनों और डी पे था कोई भी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा मुझे लगा शायद कोई भी नहीं उनमें से, लेकिन फिर भी मैंने बी पर टिक कर दिया, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो देखें बी ऐसा लगा कि अगर कायदे ने पाकिस्तान बनाया तो हमने सोचा था गवर्नर जनरल भी यही होगा फातिमा जिन्ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फातिमा जिन्ना जो है वो उनकी सिस्टर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको मिलेगा राणा लियाकत अली खान, ठीक है। सिर्फ ये ऑप्शन दिया गया था, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 1973 से लेके 1976 तक वो रही थी, ठीक है। तो राणा लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो आप गूगल पर सर्च करना, इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो मेरे ध्यान से निकल लिया कि लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर क्या थे, ठीक है। तो इससे भी सर कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट एम्बेसी एक्सेप्टेड बाय, ठीक है। आई तो ऊपर हो गया ना, हाँ सॉरी, ये डबल हो गया, फर्स्ट एम्बेसी एक्सेप्टेड बाय ईरान, ठीक है, जो हो चुका है हमारा, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, हाँ अब देखें जैसे कि मैंने ऊपर बोल के आया हूँ तुर्की के कुछ करंट अफेयर वगैरह चल रहे होंगे, तो उन्होंने तुर्की से ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो तुर्की की करेंसी क्या होती है हमारे पास, लीरा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, लीरा, तो ये आपका पेपर में आया था। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि हु डिस्कवर द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम किसने डिस्कवर किया था। देखें वही बात हम देख के हैं, न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, ठीक है। इसका बड़ा नाम क्या है, न्यूटन, गैलीलियो, ठीक है। और ये इसका ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो कोपरनिकस, ठीक है, कोपरनिकस, मान में इतना मुश्किल है इसका, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, ठीक है। अब चलते हैं कुछ इंग्लिश के एमसीक्यूज थे उसकी तरफ, तो उसमें ये दिया हुआ था कि एंटोनियम ऑफ टैलेंट, टैलेंट का एंटोनियम क्या होता है। लेकिन ये काफ़ी इजी था, ऑप्शन है अनग्रेटफुल, बी साइलेंट, सी शो और डी इन एबिलिटी, ठीक है। अगर टैलेंट है बंदे के अंदर, एक टैलेंट है, तो उसका एंटोनियम क्या होगा, एंटोनियम होता है उलट, तो उलट डेफिनेटली इन एबिलिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ एक्सप्रेशन दी गई है, स्पेशल ब्यूटी फॉर एबिलिटी, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा इसका,
ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसी उसमें से उन्होंने दिया था एंटोनिम ऑफ पिट, पिट। ठीक है, अब सबसे बड़ा मसला यह है कि पिट का हमें मालूम ही नहीं पिट होता क्या है। अगर पिट पता होता है हमें इसकी मीनिंग क्या था, डेफिनेटली इसका आंसर सही देते। ठीक है, तो पिट जो है पिट की मीनिंग आप देख सकते हैं, लेकिन पिट इज़ अ होल एंड अ पीक इज अ टॉप ऑफ हिल माउंटेन। पिट बोलते होल को, अगर एक होल है तो डेफिनेटली इसका उल्टा क्या होगा, होल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें वो यही बोल रहे हैं, अगर पिट पिट जो है वो होल है तो इसका पूरा जो है टॉप ऑफ हिल माउंटेन होगा। ठीक है, तो पीक यानी कि यानी इसको करने अप एंड डाउन है, छोटा बड़ा, एक चीज़ छोटी है तो क्या होगी, वो पीक हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसका राइट आंसर जो है वो है बी, पीक। ठीक है, तो ये लिंक दिया गया है इसमें, जिसमें से मैंने दो एप्सिक्यूज दिए थे, उसमें से पाँच छः और भी हैं, तो वो भी आप इस लिंक से लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या पता है नेक्स्ट टाइम जो है वो इसी लिंक में से वाले एप्सिक्यूज आ जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं 19 पे। ठीक है, 19 जो है वो आपका आखिरी क्वेश्चन है जो मुझे याद था। ठीक है, तो चलते हैं इसकी तरफ। तो इसमें दिया गया था इंग्लिश सीक्वेंस 79, 76, 76, 76, नेक्स्ट थ्री नंबर है सीक्वेंस का। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस दिया गया है और इसमें पूछिए कि नेक्स्ट थ्री नंबर क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले मैं चाहूँगा आपको सोचें, उसके बाद इसका आंसर ढूंढें। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप पहले आपको सोचें। तो देखें, आपको ये रिवर्स ऑर्डर में दिया गया, बहुत ही आसान दिया गया, मैंने इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आर्ट नहीं। ठीक है, तो इसका आसान कैसे, आप देखें रिवर्स में दिया गया आपको 79 का 76, तो बताया 73, 70, तो आप वोट करें, दोनों में दो नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, क्या 79, 78, 77, यानी दो नंबर का डिफरेंस है। आप देखें 76, 75, 74, दो नंबर का डिफरेंस है। 73, 72, 71, दो नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, 70 के बाद क्या आएगा, 69, 68, दो नंबर का डिफरेंस है। फिर क्या हुआ, थर्ड नंबर में क्या हुआ, ये पूछा है, थर्ड नंबर क्या है, 67। ठीक है, उसके बाद क्या है, 64, 65, 64, 63, 62, 61, तो ठीक है, तो ये इसका आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे मैथ्स के, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि किस तरीके से आप अगर एक चीज़ इतनी की है तो इसका इतना परसेंट कितना होगा। उसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, आप चारों को वन बाय वन पुट करना था, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैथ्स के कुछ प्लस माइनस के क्वेश्चन दिए गए थे, अगर दो वैल्यू को प्लस करो थर्मेटिव करो उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे। उसके अलावा इंग्लिश के थे, वो ग्रामर के क्वेश्चन थे, अगर वो वहाँ गई गई है तो इसका पास्ट में क्या होगा। तो इस तरीके से सिंपल इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए थे, वो ये है कि भाई कि आपको नेट में सर्च करना पड़ेगा, जितने भी उसमें क्वेश्चन सवाल हो सकते, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन थे, मैथ्स के एक्स्ट्रा के क्वेश्चन थे, ओवर एक्सेल से आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया था, उसके अलावा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, तो ये आपको लिंक है, यहाँ से आप एप्सिक्यूज देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के, इसमें भी काफ़ी अच्छे एप्सिक्यूज काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज पाकिस्तान के हवाले से जो कि सारे सही हैं, कमोबेश कुछ गलती है तो इसमें आप करेक्ट कर दीजिएगा। बाकी ये सारे आप, मैं ये वीडियो को दिखा रहा हूँ, आप पोस्ट करके देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सही भी है। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, देखने एक मरता है उसको, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाकिस्तान के वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके एक्सक्यूज होते हैं ख़त्म। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, देखें तो 45 क्वेश्चन थे, इसमें से मुझे 19 कमोबेश या 18 मुझे याद है। ठीक है, और इसके अलावा जो कि मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया कैसे एक्सक्यूज थे, तो जब मुझे अपने एक्सक्यूज याद है तो आप लोगों से बैठ कर जो है पेपर देखे तो काइंडली जो है वो अपने एक्सक्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें, ताकि पूरे के पूरे 45 एक्सक्यूज बन जाएँ और जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं तो उनको आसानी हो जाए। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जो वीडियो देख रहे हो एक्सक्यूज कमेंट को एक मरतबा देख दीजिएगा कि कमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है या नहीं। कि तो वैसे तो अब टेस्ट हो गया है, लोग इतने इस वीडियो को देखेंगे नहीं, लेकिन देखें नेक्स्ट जब अप्लाई करेंगे तो फिर काफ़ी डिमांड होगी इस वीडियो की। तो ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों के पास पेपर में क्या आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं तीन पोस्ट में अप्लाई किया था, तो तीनों का रिजल्ट, तीनों का लेटर आ चुका है, आप वेट करते हैं रिजल्ट का क्या आता है। ठीक है, तो ये तीनों वीडियो मैंने इस बना ली ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी अप्लाई करें उस समय जो भी अप्लाई करें वो उसके लिए काफ़ी हेल्प मिल जाए उसको इस वीडियो से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।